नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो जो अभी महिला थाना में जो एक केस रिपोर्ट हुआ जिसको आप जानते हैं, जिसमें कि पॉक्सो के अंदर दर्ज किया गया था, रेप के भी सेक्शंस थे उसमें, तरह तरह की अफवाहें समाज में उड़ रही हैं। और कल ऐसा हुआ कि कई लोगों ने जो इस केस में जो अभियुक्त हैं उनके घर पे भी जाके उसके डैमेज करने की कोशिश की। हम फिर कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और एक पक्ष जो इसमें अभियुक्त पक्ष का, उनका मेडिकल रिपोर्ट अभी आया नहीं है, तो इसलिए दोनों को क्यूमुलेटिव करके ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक जो हम लोग को अनुसंधान और स्टेटमेंट मिला था उसमें जो, और हम लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है, ठीक है, जो एक पक्ष का जो आया है, दूसरे पक्ष का नहीं आया, तो उसमें जो अभी तक का प्राइमा फेसी, आई एम नॉट मेकिंग कंक्लूसिव प्रूफ, इसमें सेक्सुअल कंडक्ट की बात नहीं आई है। बाकी इसमें अगर मोलेस्टेशन हुआ है तो उसमें हम लोगों ने पॉक्सो की भी धारा, चूँकि लड़की शौक में थी तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसमें संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता। फिलहाल अनुसंधान में चल ही रहा है और जो इसमें तीन नामजद अभियुक्त हैं, अगर मोलेस्टेशन भी है, और जैसा कि हम तो जो गर्ल्स का जो स्टेटमेंट है उस पर भी जाएंगे, और 164 में जो उन्होंने, वो भी हमारे पास कॉपी नहीं है, लेकिन प्राथमिकी के आधार पर जो हम लोग को मिला है और जो आईओ ने उनका जो स्टेटमेंट लिया है उसके आधार पर अभी तक के अनुसंधान में ये क्या बोलते हैं, जब तक कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता तब तो उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मोलेस्टेशन का, चूँकि गर्ल का स्टेटमेंट था कि तीन मोलेस्टेशन है, तो पॉक्सो की धारा में भी बहुत ही बड़े प्रावधान है, कड़े प्रावधान है, तो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, सही अनुसंधान कराएंगे। जहाँ तक रेप और गैंग रेप की पुष्टि है, वो जो पूर्णतया ये तो इनके रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उनके आधार पे हम कह सकते हैं। फिलहाल जो अभी जो है, जो हम लोग का प्रारंभिक अनुसंधान है और जो हम लोग को ये इनपुट है, तो उसमें मोलेस्टेशन की पुष्टि हो रही है, लेकिन जो गैंग रेप की संभावना जो है इसके बारे में अभी हम लोग को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन जब तक कि मेडिकल रिपोर्ट पूर्णतः, जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि अपोजिट साइड जो अभियुक्त साइड का भी जो मेडिकल रिपोर्ट अभी हम लोग को प्राप्त नहीं है, तो प्राइमा फेसी इस केस में गैंग रेप की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन हम इसको कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है, क्योंकि हम कुछ अगर बोलेंगे तो वो अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है। हाँ, बराबरी के मामले को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, तो उस पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुसंधान चल रहा है, आगे का जो भी है, जो भी तथ्य हमारे सामने आएगा, दरवाजा वगैरह कहना चाह रहा हूँ कि जो भी तथ्य अनुसंधान तो एक दिन हुआ है, तो जो भी तथ्य हमारे सामने आते जाएंगे उनकी विवेचना करते हुए हम आगे का अनुसंधान करेंगे। हम आज की जो प्रेस मीटिंग जो आपको बताने इसलिए चाह रहे हैं कि बहुत ही जो हम लोग का अनुसंधान चल रहा है, वी कांट डिस्क्लोज मेनी थिंग इन द पब्लिक बिकॉज इट विल बी यू नो अगेंस्ट द लॉ, तो हम, लेकिन जो पब्लिक में, जो पब्लिक ऑर्डर के लिहाज से जो कई लोग कई तरह का अफवाह फैला रहे हैं, इस परिपेक्ष में मैं ये प्रेस मीटिंग बुलाया था, इसमें ये हो कि इस तरह की जो बात है लोग भी अपने आप को संयम रखें और हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, जो क्योंकि कल जो घर की जो घटना हुई थी, कई लोगों ने जो अभियुक्त हैं उनके घर पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की, कई लोग उसमें तरह तरह का कार्य कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिहाज से मैंने आज की प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें कि आपको ये बता दूं कि हम लोग की तरफ से अच्छे से अनुसंधान चल रहा है और हम लोग अभी अनुसंधान ये ओपन एंडेड है, अभी हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो भी तथ्य, जैसा कि आपने बताया कि कुछ गेट खुला हो, तो जो भी तथ्य आते जाएंगे उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे और अनुसंधान सही से करेंगे। हम बस ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे तरफ से पूर्ण कोई कमी नहीं आएगी, अनुसंधान कराएंगे, आगे इस केस को जल्दी से स्पीडी ट्रायल करेंगे। बाकी जो भी लोग कोई जो शिकवा हो तो आप हमसे बता सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और लॉ ऑन जैसे सड़कों पर आज भी निकली हुई है, और देखिए डेमोक्रेटिक में कोई बोले तो कोई किसी हर किसी को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन मैं अपने तरफ से प्रशासन, लड़की का मेडिकल जाँच जो है बोर्ड बना के किया गया है, और बोर्ड में जो भी है वो कोर्ट को पुटअप कर दिया जाएगा। दूसरा पक्ष जो लड़का लोगों का था उसका भी कल शाम में उसके बाद जांच हुआ है,
और जांच वो भी कंप्लीट शायद उस शाम तक नहीं हुआ था, कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे वगैरह बाकी रह गया था। तो हम देखते हैं जा करके कि वो सब कंप्लीट हो जाए तो सब चीज़ को जांच और अपना जो है हम आगे कोर्ट में पुट अप कर देंगे। अभी चूँकि काफ़ी मैंने संवेदनशील मामला है, इसमें सब लोगों को थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, कहीं भी एग्जैजरेटेड चीज़ नहीं होना चाहिए, जो सही है वो सही होगा आधार पर ही हर चीज़। क्योंकि रेप तो अटेम्प्ट तो हुआ ही है, तीन चार लड़का उसको पकड़ के ले गया तो अटेम्प्ट तो हुआ ही है, बाकी रेस्ट जो एविडेंस है, जो एविडेंस मिलेगा उसमें कहीं मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, एज सच कोर्ट में पुट अप किया। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।